आपने कहा कि सोशल मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने खलील रहमान कमर साहब के साथ काम किया, उनकी फिल्म में वो डायरेक्टर थे, स्क्रीन प्ले भी उनका था, राइटर भी थे, और उनका एक ड्रामा भी बहुत सुपर हिट हुआ है। एक्सपीरियंस कैसा रहा कमर साहब के साथ काम? खलील साहब इज अ वेरी गुड राइटर, वेरी सीनियर राइटर, और आई थिंक वैसा डायलॉग राइटर नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप उनका जर्नी देखें फ्रॉम लंडा बाजार उस पुराने ड्रामों से लेकर, तो इज अ वेरी सीनियर पर्सन, और उनकी अपनी थॉट है, उनकी सोच है, और लिखते बहुत अच्छा है। लिखते अच्छे हैं, डायरेक्टर कैसे हैं? देखिए डायरेक्शन हर एक अपना एक मिजाज होता है, मगर कभी कभी आप चीजें उस तरह आई थिंक जिस तरह वो करना चाह रहे थे उसमें हर्डल्स बहुत आए। लाइक उस फिल्म के अंदर काफ़ी चीज़ें हुई, पहले एक्टर्स कुछ रिप्लेस हुए, कुछ रीशूट्स हुई, चीज़ें बहुत थी, तो उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम। अच्छा, एक्टर्स में जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं ज़्यादातर वो मेल लीड की नहीं हुई, आप वहीं पर हैं जो फीमेल लीड थी, उनकी रिप्लेसमेंट्स काफ़ी हुई है। नहीं, आई थिंक देखें मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ जगहों पर बींग अ सीनियर उन्हें भी कुछ तरह अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए। खलील साहब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाते हैं, जज्बाती गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं, वो एक्चुअली बोल जाते हैं, जो कुछ वो अंदर ही रखते हैं बोल देते हैं। इसी तरह ही कहीं आई थिंक कहीं उनका गुस्सा भी ज़्यादा था, और कहीं कुछ एक आधे एक्टर की भी गलती थी। नहीं तो जो नॉर्मली कोई भी एक्टर अगर मूवी नहीं करता या छोड़ देता है या इनकार कर देता है, तो या तो उसको अपने को एक्टर से प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको देखते हुए लगता नहीं कि आपसे प्रॉब्लम होगी? देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि हम हमेशा ना तस्वीर का एक रुख जानते हैं। जिस तरह मैं किसी के बारे में बात इसलिए नहीं कर सकता कि किसी एक्टर की गलती के वाले से, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। जो चीज़ मेरे सामने हुई हो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ कि हाँ इस वक्त ऐसी चीज़ ये हुई थी इसलिए वो बंदा नहीं है। इनिशियली फिल्म की कास्ट के अंदर सुहाई थी, सुहाई रिप्लेस हुई, मुझे नहीं पता क्यों, हालांकि मैंने शूट किया था चार दिन। फिर उर्वा आई, उर्वा रिप्लेस हुई, मुझे नहीं पता था। सेम में जो बाकी सीनियर एक्टर्स का भी वजह से वक्त भी काफ़ी लग गया फिल्म को, आई थिंक डेढ़ साल लगा। इसी तरह जो कुछ सीनियर एक्टर्स के हवाले से बात की, एक तो वो सबा आपा, दे आर ऑल वेरी सीनियर, वेरी गुड एक्टर्स एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। एक तो उनके और सबके बारे में कह रहे हैं, महमूद असलम, दे आर ऑल गुड, वेरी गुड। अच्छा खासा है, अटवे यंग एज। सलाखें आपने 2003 में की थी? 2004 में, पहले 2004 में, दैट वाज योर डेब्यू। ये वो वाइब चीज है जो हम दोनों में कॉमन है, सलाखें। अच्छा समी मुझे एक बात बताओ, सिनेमा भी है, सिनेमा भी। समी मुझे एक बात बताएं, आप ये देखें, ओए सिनेमा कह रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा था, आप देखो ड्रामों में भी आप हीरो आए, फिल्मों में भी आप हीरो आए, हीरो हीरो हीरो, आप बोर नहीं हो जाते? अब तो आपकी हीरो एक छेड़ बन गया होगा, हर कोई आपको कहता होगा यार हीरो दो चाहते फड़ी यार। नहीं नहीं सर, सर सर विलन का रोल भी किया लास्ट टाइम, जो एक हमारे अवार्ड से लक्स है उसमें मेरा एक नेगेटिव रोल के ऊपर नॉमिनेशन हुई थी बेस्ट एक्टर। अच्छा, मेरे लक्स स्टाइल में भी आपने नेगेटिव रोल किया है? नहीं नहीं नहीं, उसके नॉमिनेशन जो नॉमिनेशन थी वो नेगेटिव रोल के लिए थी। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइए ये फिल्म जो कि ये अंडर 19 थे जब इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी, मतलब 2003 सर से? सर मैं जब था यूनिवर्सिटी के अंदर, इस तरह घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे थे भाई? यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के अंदर जब मैं था, तो उसमें मैंने फिल्म साइन की थी, सो आई वाज आई थिंक 22 जब मैंने फिल्म साइन की थी, स्टार्ट की थी। बाकी हिसाब आप लगा ले, आज के दौर में कुछ बारे की जरूरत नहीं है। सो उस समय फिल्म स्टार्ट की थी। समझिए बताइए कि ये फिल्म जिस वक्त आई उस वक्त क्योंकि कश्मीर का भी इसमें और इसमें पाकिस्तान इंडिया का एलिमेंट था, जो कश्मीर का इशू है उसको बड़ी हाइप मिली हुई थी मीडिया पे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक किया था इंडिया ने, उसके बावजूद इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनी लेकिन हिट नहीं हुई, क्या वजह है? आई थिंक दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में सिर्फ फिल्म बनाना इंपॉर्टेंट काम नहीं, फिल्म को टाइमली रिलीज करना और मार्केटिंग पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फिल्म के अंदर हमें जिसमें मैंने भी एक ओपिनियन दी थी अपनी कि इसको अभी रिलीज मत करें, इसको आप 2 महीने बाद रिलीज करें, क्योंकि देखिए प्रमोशन एक प्रॉपर कैंपेन होती है। हमारी फिल्म की आई थिंक जो फाइनल ट्रेलर आया था वो फिल्म की रिलीज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले आया था। आई थिंक आपको कम से कम 2-3 महीने की प्रमोशन चाहिए फिल्म के लिए, जो कि प्रॉपरली नहीं हुई मेरे।